हेलो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे बना रहा हूँ, गोइंग टू माइग्रेट ऑन प्रेमिसेस वीएम टू AWS। हम अपने ऑन प्रेमिसेस के वीएम को माइग्रेट करके AWS के ऊपर ले जाकर कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो मेरा ये ऑन प्रेमिसेस वीएम है, मेरे लैपटॉप पे एक VMNM का सॉफ्टवेयर है और उसके ऊपर मेरा एक वर्चुअल मशीन रनिंग है, रेड हार्ट मशीन, और इसको मुझे आज AWS के ऊपर माइग्रेट करके लेके जाना है। ठीक है, तो ये उसके स्टेप हैं। सबसे फर्स्ट आपको डाउनलोड AWS CLI करना होगा। डन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे और आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, AWS CLI इंस्टॉल फॉर विंडोज़। विंडोज़ मीन्स अगर आप ये प्रोसेस, ये काम विंडोज़ पे बैठ के कर रहे हो तो फिर विंडोज़, अगर लिनक्स पे कर रहे हो तो देन आप लिनक्स के लिए डाउनलोड करोगे। तो ये रहा मेरा डाउनलोड, मैंने किया। और देन उसके बाद, डाउनलोड के बाद मेरा सेकंड नंबर का स्टेप है इंस्टॉल AWS CLI। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, तो ये मेरा सेकंड नंबर का स्टेप हो रहा है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो ये मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे यहाँ पर एरर दिया। आप इंस्टॉल करोगे, अगर आपके मशीन में इंस्टॉल नहीं है तो आपके मशीन में इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। डन। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपका थर्ड नंबर का स्टेप है गेट एक्सेस की टू कॉन्फिगरेशन AWS CLI। फिर आप CMD और यहाँ पर कमांड चलाओगे AWS कॉन्फिगर। तो यहाँ पर आपको एक्सेस की सीक्रेट की डिफाइन करनी पड़ेगी, जो आपको यहाँ पे जाके मिलेगी माई सिक्योर क्रेडेंशियल पे जाके। तो आप देखो यहाँ पर कैसे गेट कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ जाओगे एक्सेस की पे और यहाँ से आपको मिलेगी, बट ये अभी मुझे हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि मैक्सिमम दो एक्सेस की सीक्रेट की आपके अकाउंट पे होता है, दो से ज़्यादा नहीं होता, और वो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए मुझे नहीं दे रहा। तो मैं पहले इन्हें डिलीट करता हूँ और देन मैं इसको क्रिएट करता हूँ। और मैंने 100 में क्लिक किया, ये मुझे यहाँ से मिला एक्सेस की। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्टेड, सॉरी दो टाइम्स कॉपी हो गया। मेरा माउस भी काम नहीं करता कभी कभी। तो शायद कॉपी होने में दिक्कत होगा, एक बार मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। देन सीक्रेट की, और ये मैंने यहाँ से सीक्रेट की को कॉपी किया और इसको भी मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने रीजन कोड डाला। तो ये मेरा स्टेप नंबर थर्ड हो गया। और फोर्थ, टेस्ट योर एक्सेस की, आपका एक्सेस की सही है कि नहीं है। ये कैसे टेस्ट करेंगे सीक्रेट की सही है कि नहीं है, आप यहाँ पर एक सिंपल सा कमांड एक्सिक्यूट कर लो। अगर ये एक्सिक्यूट हो गया इट मीन्स सही है। तो डन, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट योर रोल एंड नेम शुड बी वीएम इम्पोर्ट एंड रेलिवेंट परमिशन। आपको एक रोल बनाना है, नेम होना चाहिए वीएम इम्पोर्ट और एक रेलिवेंट परमिशन के साथ। तो रोल भी मैं कमांड लाइन बनाऊंगा, क्लियर। रोल भी मैं यहाँ पर एक कमांड लाइन बेस से बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे, तो ये रही मेरे पास कमांड भी मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। देखो ये रोल बनाने की कमांड है, बट रोल बनाने से पहले आपको ना एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें आपको एक परमिशन डिफाइन करनी पड़ेगी,
फाइल के अंदर आपको लिखना क्या है उसका फॉर्मेट मुझे यहां से मिल रहा, राइट, AWS के साइट पे जाकर। तो यहां से मैंने सिंटेक्स कॉपी किया और इस नाम की मुझे एक फाइल बनानी है, तो मैं यहां पे जाता हूं और नोटपैड पे गया और पेस्ट किया और सेव एस करता हूँ इसको, डन। और इसका नाम मैं इसी के अकॉर्डिंग रखता हूँ, और मैंने इसको सेव कर लिया, डन। देन उसके बाद ये कमांड है रोल बनाने की, तो मैंने इसको कॉपी किया, जो मेरे डॉक पे भी लिखा हुआ है, ये देखो, राइट। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो चाहो तो, मैं वहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे गया मैंने पेस्ट। इस कमांड को हम समझ लेते हैं, आपसे कह रहा है AWS IAM role एंड role नेम VM import assume पॉलिसी, और ये वो फाइल है जो अभी मैंने बनाया और जिसके अंदर मैंने पॉलिसी लिखी है, और मैंने यहाँ पर एंटर किया। तो आपसे एरर दिया, कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पर आपने पॉलिसी लिखी है, क्योंकि वो मेरे डेस्कटॉप पे है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं सीडी करके डेस्कटॉप पे जाता हूँ और देन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये क्रिएट हो जाएगा। डेफिनेटली बन गया, आप इसको ग्राफिकली जाकर देख भी सकते हो, ये रोल आपका बना है नहीं बना। तो मैं रोल पे चलता हूँ और रोल पे जाने के बाद मैं देखो, ये VM import बन गया, डन। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सपोर्ट द वर्चुअल मशीन। आपको वर्चुअल मशीन एक्सपोर्ट करनी है ऑन प्रेमिस पे जाकर, ये रहा मेरा ऑन प्रेमिस और इसे मुझे एक्सपोर्ट करनी है। और एक्सपोर्ट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका VM शुड बी स्टॉप मोड में होना चाहिए, ऑन नहीं। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट टू OVF, राइट। आप OVF फॉर्मेट में कर सकते हो या डॉट VMDK फॉर्मेट में कर सकते हो, सेव करूंगा तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है, ये देखो, और VMDK फॉर्मेट में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डन। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्रिएट द बकेट एंड अपलोड इमेज इनसाइड S3 बकेट। अब आपको AWS की S3 पे जाना है और वहां पर एक बकेट बनाना है और जो आपने एक्सपोर्ट किया है इमेज उसको इस पे अपलोड करना है। तो कैसे करेंगे, क्रिएट बकेट, बकेट नेम जैसे माई ऑन प्रेमिसेस इम्पोर्ट मैंने दे दिया, देन उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ से आपको अनब्लॉक करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी होगी। उसके बाद आप अगेन नेक्स्ट करोगे और अगेन क्रिएट बकेट, तो ये आ गया। और इसके अंदर आप अपलोड करोगे इस तरीके से, एड फाइल, और डेस्कटॉप पे आया मैंने, ये ओपन, और ये देखो मेरी 7.4 GB और अपलोड, तो ये अपलोड हो रहा है। इसको अपलोड होने में मे बी 1 घंटे लग सकते हैं क्योंकि 4.7 GB आप अपलोड कर रहे हो, तो डिपेंड करेगा आपके ISP पे। तो मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से एक बकेट बना रखा है और उस पर अपलोड कर रखा है, और उस बकेट का नाम ये रहा, डन, ये एक्सटेंशन .vmdk। तो मेरा यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मुझे करना है VM import द वर्चुअल मशीन। अब मैं वर्चुअल मशीन को इम्पोर्ट करूँगा वहाँ से, बकेट के अंदर से। तो इम्पोर्ट करने की कमांड मुझे यहाँ से मिलेगी, ये देखो,
मेरे डॉक में भी पड़ी हुई है, ये रही। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ से मैंने कमांड को कॉपी किया, देन इसके बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और इसको रन करता हूँ। तो ये कह रहा है AWS IAM, सॉरी ये पॉलिस, ये आपकी पॉलिसी की कमांड है। तो मैं इसको कमांड यहाँ से मैंने गलत कॉपी किया, ये रही कमांड आपकी, यहाँ से आपने कॉपी किया, आपने यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर हमको समझते हैं कमांड के फॉर्मेट के बारे में। AWS EC2 इम्पोर्ट इमेज डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया ऑन प्रेमिसेस VM। लाइसेंस टाइप, तो मेरे पास लाइसेंस अभी नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। देन डिस्क कंटेनर, और ये वो फाइल का पाथ है जहाँ से वो कॉन्फ़िगरेशन पुट करेगा। तो ये फाइल आपको बनानी पड़ेगी, कैसे बनाएंगे, आप नोटपैड ओपन करोगे और फाइल का के अंदर आपको फॉर्मेट क्या लिखना है, ये रही फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन इसके अंदर गया और यहाँ पेस्ट, और आपको यहाँ पर चेंजेस करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऑन प्रेमिसेस VM, और फॉर्मेट आपके फाइल का फॉर्मेट क्या है, VMDK, और यहाँ पर आपको बकेट का नाम, जिस बकेट में वो इमेज अपलोड है, AWS क्लास राइट, और यहाँ पर उस इमेज का नाम। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, ये रहा इमेज का नाम, मैंने इसको कॉपी किया, तो मुझे इतने नाम की ज़रूरत है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, इस फाइल पे गया और यहाँ पर पेस्ट, सेव, देन उसके बाद यहाँ पे नाम डिफाइन कर देता हूँ। तो नाम में यहाँ पर container.json ही दे देता हूँ, आप यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, देन सेव, क्लियर। अब आप इस कमांड को यहाँ पर एक्सिक्यूट कर सकते हो। तो मैंने एंटर किया, तो परमिशन को लेके यहाँ पर कुछ एरर दे रहा, सफिशिएंट परमिशन। तो आपको दोबारा उस रोल पे जाना होगा जो आपने बनाया था, और अटैच पॉलिसी आप करोगे, और यहाँ पर आपको एक परमिशन देना पड़ेगा, VM इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आपने इसको अटैच किया, डन, और देन उसके बाद आप इसको एक्सिक्यूट करो। तो अब मैं दोबारा एक्सिक्यूट करता हूँ, तो अगेन सफिशिएंट परमिशन राइट। तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको कुछ और परमिशन देना पड़ेगा, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन भी यहाँ पर असाइन कर दिया। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर दे देते हो तो आपको VM इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं देने की ज़रूरत है राइट। तो अब मैं इसको अगेन ट्राई करता हूँ, और अब हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली देखो हो गया, और स्टेटस बता रहा है आपको एक्टिव, और जब यहाँ पर स्टेटस डन हो जाएगा तब मुझे मेरे AWS के कंसोल पे आकर वो इमेज मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगी, जिसको मैंने इंपोर्ट किया अभी। और कहाँ पे नज़र आएगी, EC2 के अंदर, IAM के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। बट इसको इंपोर्ट होने में समथिंग 20-25 मिनट लग जाता है राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसका स्टेटस आप चेक करते रहो, और स्टेटस चेक करने की कमांड मेरे पास अलग से है, और ये रही कमांड। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे गया और पेस्ट किया, कमांड को समझ लेते हैं क्या बोल रहा कमांड।
कमांड आपसे कह रहा है AWS EC2 डिस्क्राइब इम्पोर्ट इमेज टास्क, इम्पोर्ट टास्क आईडी, और यहाँ पर आपको इम्पोर्ट आईडी डालनी पड़ेगी जो ये रही। डन। तो मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ से मैंने इसको हटाया और आईडी मेरी क्या आ रही, 055-71B7D-AE-8C79। एंटर। तो ये आपको स्टेटस बताता रहेगा कि कौन से स्टेटस में ये पहुंचा है, राइट। तो अभी पेंडिंग है और कितने स्टेटस होते हैं वो भी आप देख सकते हो, एक्टिव, डिलीटिंग, डिलीटेड, अपडेटिंग, वैलिडेटेड, वैलिडेटेड, कन्वर्टिंग एंड कंप्लीटेड। तो ये सारे स्टेटस आप यहाँ से डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हो। तो अभी देखो वैलिडेटिंग मोड में आ गया, राइट। तो टाइम लेता है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, देन उसके बाद कंटिन्यू करूँगा, ओके। तो चलो दोस्तों, मैं इसको शो करता हूँ एक बार डिस्क्राइब दोबारा करके। तो यहाँ पे देखो प्रिपेयरिंग टू बूट, अब इसको और कंप्लीट स्टेटस आ गया। तो अब मैं AWS पे चलता हूँ और ये देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। डन। तो अब आप इसको लॉन्च कर सकते हो AWS के ऊपर। किस तरीके से करोगे, देखो लॉन्च पे जाओगे आप और यहाँ से आप इसको अपना इंस्टेंस का टाइप सेलेक्ट करो, देन कितनी लॉन्च करना है वो क्वांटिटी सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर उसने 20 GB की स्पेस लिया क्योंकि मेरे उस VM का जो ऑन प्रेमिसेस था 20 GB के साथ था, इसलिए उसने 20 GB लिया। और यहाँ पर टैग नेम मैंने दे दिया ऑन प्रेमिसेस VM। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप आपने दिया, यहाँ पर ऑल ट्रैफिक मैं दे रहा हूँ, एंड एनीवेयर एंड रिव्यू एंड लॉन्च एंड देन कीप हियर। तो ये मेरा माइग्रेट डन हो गया और मैं इसको अब लॉन्च करके एक्सेस करूंगा। एक्सेस करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करो, देन आप अपने सेल पे जाओ और यहाँ पर SSH। अब देखो EC2 हाइफन यूजर नहीं होगा क्योंकि ऑन प्रीमिसेस में जो VM था उसका यूजर नेम मैंने रूट रखा था, तो रूट होगा, और ऑन प्रीमिसेस में जो रूट का पासवर्ड था वही एक्सेप्ट करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी वो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, यानी स्लाइस कर रहा है इसलिए वो टाइम ले रहा है। डन। तो अगेन ट्राई कर लेते हैं। डन। तो ये देखो यहाँ पर पासवर्ड मांगा, उसमें की नहीं मांगा, तो मैंने पासवर्ड दिया और लॉगिन कर गया। देखो क्लियर, समझ आ गई आप लोग को। तो ये मेरा ऑन प्रेमिसेस वर्चुअल मशीन को मैंने माइग्रेट करके AWS पे लाके मैंने लॉन्च कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑन प्रेमिसेस के मशीन को कैसे AWS पे लॉन्च करना है। तो ये स्टेप था। डन। तो मैं यहीं पे ओवर करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रखूँगा, नेक्स्ट टॉपिक जैसे ये इंपॉर्टेंट था ऐसी नेक्स्ट टॉपिक रखूँगा।
क्लियर, तो आपको इसका लैब आपको भी खुद करना होगा, तभी आपको वो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट, और तभी आप इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।